हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हमने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का, द लिविंग वर्ल्ड में टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है कि वो कौन कौन सी टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जिनकी मदद से हम क्या है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स का। ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसका कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें हेल्प करेंगी इस क्लासिफिकेशन में, इस आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, उन्हीं टेक्निक्स के बारे में, उन्हीं टूल्स के बारे में, उन्हीं के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक्सोनॉमिकल जो स्टडीज हैं ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। तो ये जितने भी हम टेक्सोनॉमी क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये उनको पहचानना, उनकी विशेषताओं को के बारे में जानना, और उनको जान के उनका क्या करना, क्लासिफिकेशन करना डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में, किंगडम, ठीक है, फाइलम है, डिवीजन, ऑर्डर है, जीनस है, इनके बारे में पढ़ा था हमने, इन कैटेगरी में इनको डिवाइड करना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में ये यूजफुल है। एग्रीकल्चर में कैसे यूजफुल है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर कोई एक इंसेक्ट है जो उसके ऊपर, इंसेक्ट प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो एक इंसेक्ट और है जो उस इंसेक्ट को क्या करता है, रोकता है उसको, उसको उसको खा जाता है। यानी कि एक प्लांट ए है, एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर ए एक इंसेक्ट है, एक बी इंसेक्ट है। ए इंसेक्ट क्या करता है, प्लांट को खाता है, और बी इंसेक्ट क्या करता है, जो ए इंसेक्ट प्लांट को खा रहा है उसको रोकने का काम करता है। तो ये स्टडी करके हम जान सकते हैं भी कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा वो एनिमल है, कौन सा वो इंसेक्ट है जो प्लांट को किसी इंसेक्ट से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड हमारे पास देखा है पर फॉरेस्ट्री। भाई फॉरेस्ट्री मतलब है अगर हम जो फॉरेस्ट से, जंगल से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, मेडिसिन वगैरह हैं, कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के जितने भी प्लांट्स हमारे हैं, आयुर्वेदा में जो जितने प्लांट्स हमारे होते हैं, ठीक है, तो और डिफरेंट प्लांट्स, इनके ये सारे प्रोडक्ट्स हम कहाँ से मिलते हैं, हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। ठीक है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन, उनको स्टडी करके, ऐसे प्लांट्स को स्टडी करके उनसे हम अपना फायदा ले सकते हैं, उनसे हम क्या चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्री है, देखो जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, प्लांट्स पर डिपेंड करती है और एनिमल्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर देयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, और अपने जो बायो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बायो रिसोर्सेज मतलब है जैसे कि बायोडीजल हम बनाते हैं, जट्रोफा जो प्लांट है हमारा, उससे बायोडीजल जो लेते हैं, तो इस तरह के रिसोर्स, इस तरह के प्लांट्स को आइडेंटिफाई करके हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं उनको हम क्या है हार्वेस्ट कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हम उनके बारे में क्या कर सकें, टेक्सोनॉमिक स्टडीज कर सकें। ठीक है, तो इस चीज के लिए भी क्या है, इस चीज के लिए भी हमें जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स एनिमल्स हैं, उनका क्या करना है, अच्छे तरीके से उनका क्लासिफिकेशन करना है, उनका अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इनकी क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए एक हमें इंटेंस, काफ़ी गहन लेबोरेटरी का अध्ययन करना पड़ेगा, और जो स्पेसिमेन हमारे पास अवेलेबल हैं हमारे लैब्स के अंदर, एक दूसरे जो हमारे जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पर जितने भी स्पेसिमेंट्स हैं उनकी हमें इंटेंसिव गहन स्टडी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड में जाकर जमीनी स्तर पर फॉरेस्ट के अंदर उनकी क्या है स्टडीज करनी पड़ेगी। उसी के बाद ये पॉसिबल है कि हम उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सके और उनसे अपने, अगर हमारे लिए वो यूजफुल है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल है, हमारे फॉरेस्ट के लिए यूजफुल है, इंडस्ट्री के लिए यूजफुल है, या मैनकाइंड के लिए यूजफुल है, तो उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें टेक्सोनॉमिक स्टडीज करना काफ़ी जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं वन बाय वन, तो कौन कौन सी वो एड्स हैं, कौन कौन सी वो टूल्स हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम क्या है टेक्सोनॉमिक स्टडीज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा हमारे पास है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम में कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन है, ये प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है,
प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स को क्या है ड्राई करके प्रेस करके और उसको प्रिजर्व किया जाता है शीट्स के ऊपर, जैसे ड्राइंग शीट्स होती हैं इस तरह की शीट्स होती है। इन शीट्स के ऊपर क्या है उन जो प्लांट के जो ड्राइड पार्ट्स है, प्लांट के जो पार्ट्स है उनको हम क्या है उस पर चिपकाते हैं, उसको रख के जो प्रेस करके चिपका सुखा के प्रेस करके उसको प्रिजर्व करते हैं, चिपका दिया जाता है। और साथ ही साथ उसकी जो इन्फॉर्मेशन है भाई कहाँ से उस प्लांट को लिया गया है, उसका भाई हैबिटेट क्या है, कैसे इन्वायरमेंट मिलता है, किस देश से मिला है, किस राज्य से मिला है, कहाँ से मिला है, वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन क्या है उस शीट्स के ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। और कई स्पेसिमेन ऐसे होते हैं जब हम ड्राई करके नहीं रख सकते, तो उनको हम क्या करते हैं एक सॉल्यूशन होता है हमारा एफएए का, ठीक है, जो फ्लेशी ऑर्गन्स है उनको स्टोर करते हैं एफएए के अंदर। एफए का एफ का मतलब है फॉर्मलिन, ए का मतलब है एसिटिक एसिड, और अगेन जो सेकेंड ए है इसका मतलब है इथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें जो हमारा कंसंट्रेशन होगी डिफरेंट जो फॉर्मलिन की, एसिटिक एसिड की और एल्कोहल की, वो क्या है 10 ml हमारा क्या फॉर्मलिन होगा सॉल्यूशन के अंदर, 5 ml हमारा क्या होगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड होगी, और 50 ml हमारा क्या होगा 95% इथाइल एल्कोहल लिया जाएगा। उसके अलावा 35 ml उसके अंदर वाटर ऐड किया जाएगा। इससे जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा ये सॉल्यूशन कहलाएगा हमारा प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम लंबे समय तक प्लांट के फ्लैशी ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हर्बेरियम तैयार करने के लिए डिफरेंट टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे खुरपी वगैरह हो गया, ठीक है, आपका सिकल हो गया, ठीक है, बॉक्स हो गए, आपका सीड्स हो गई, तो इस तरह कई सारे मटेरियल्स होते हैं हमारे जिनको हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ हर्बेरियम, ठीक है। जो सीड्स हम जो यूज़ करते हैं जनरली हर्बेरियम बनाने के लिए उसकी डायमेंशन क्या होती है 30 × 45 cm, ठीक है, 30 लेंथ 45 इसकी विड्थ होती है। तो इस लेंथ की स्टैंडर्ड हमारा, ये स्टैंडर्ड है हमारा हर्बेरियम सीड्स का। अगर हम अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वहां पर जो सीड्स की डायमेंशन होते हैं 29 × 41 cm होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो हर्बेरियम के सीड्स का जो डायमेंशन हो क्या क्या होती हैं, ठीक है। अगर जनरल स्टैंडर्ड हमारा जो इंडिया में यूज करते हैं हमारा 35 × 45 cm है, और एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करें तो 29 × 41 cm है, ठीक है। तो कई बार कैसा हो ऐसा देखने को मिलता है कि कई स्पेसिमेंट्स ऐसे होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो जाता है। तो हमने क्या किया प्रिजर्व कर लिया, ठीक है, हर्बेरियम तैयार कर लिया, उन हर्बेरियम के ऊपर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फंगस की बात करें तो फंगस अटैक कर सकती है, बैक्टीरिया अटैक कर सकता है, या कोई इंसेक्ट उस पर अटैक कर सकते हैं। तो उनको उनसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं उन स्पेसिमेंस को ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, ठीक है, जो कि फंगल अटैक को प्रिवेंट करती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे कौन से डीडीटी है, नेफ्थलीन है एंड कार्बन डाइसल्फाइड, इनको भी हम यूज करते हैं एज ए पेस्टिसाइड, यानी कि पेस्ट से हमारे स्पेसिमेन को बचाने के लिए हम इन केमिकल्स से क्या है ट्रीट करते हैं। और फंगस की बात करें तो 0.1 मर्क्यूरी क्लोराइड से हम क्या है इसको ट्रीट करते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है बेटा हमारा बोटेनिकल गार्डन है। बोटेनिकल मतलब प्लांट्स की बात हो रही है, गार्डन क्या है प्लांट का गार्डन है, जहाँ पर क्या है हम स्पेशल गार्डन होते हैं जहाँ पर क्या है कुछ सेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स को ग्रो करते हैं, वहाँ पर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। जो प्लांट वहां पर हम जो ग्रो करते हैं और जो हम रेफरेंस के लिए रखे जाते हैं प्लांट वहां पर, ठीक है, तो वो हम आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। और जो हर एक जो प्लांट होगा वहां पर उस प्लांट के ऊपर उसका लेबल होगा, उसकी लेबलिंग होगी, उसके बारे में पूरी जानकारी वहां पर मिलेगी, जैसे कि बोटेनिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, कौन से ऑर्डर में आती है, ठीक है, और साथ में क्या है उसके जीनस कौन सा है, स्पीसीज कौन सी है। तो सारे की सारी जानकारी क्या है वहां पर हमें देखने को मिलती है प्लांट के ऊपर। प्लांट के ऊपर लेबल लगा होगा और लेबल के ऊपर सारे सारे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है प्लांट की, वे कहाँ से ये कैसे इन्वायरमेंट में मिलता है, इसका हैबिटेट क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग है पर्टिकुलर प्लांट सारी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ देखने को मिलेगी। तो अभी हम जानते हैं कि आइए अभी हम जानते हैं कि जो फेमस जो बोटेनिकल गार्डन है हमारे वर्ल्ड में उनके बारे में जानते हैं। एक हमारा पहला है क्यू, जो कि इंग्लैंड में प्रेजेंट है।
और इंडिया की बात करो, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, इंडिया के अंदर हावड़ा कहाँ पर है बेटा? ये कल आपका ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और एक हमारा है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा हमारे पास कौन और कौन से इंडिया के अंदर है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता के अंदर है ये भी। एक है ललॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में, ठीक है, ये भी हमारा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। तो ये कुछ हमारे क्या है फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हैं, क्यू इंग्लैंड के अंदर, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, एक हमारा है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इंडिया के अंदर है भी, इंडियन बोटेनिकल गार्डन सीपुर कोलकाता में, एंड ललॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम जो वर्ड हमें बता रहे हैं, म्यूजियम कोई भी एक ऐसा जगह है जहाँ पर चीजें रखी जाती हैं, चीजों की प्रदर्शनी की जाती है, ठीक है। वैसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम होते हैं, साइंटिफिक म्यूजियम अलग होते हैं, ठीक है। आपके साइंटिफिक की बात करें तो जैसे कि हमारा इसमें प्लांट्स के स्पेसमैन, एनिमल्स के स्पेसमैन रखे जाते हैं, और टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां पर हमें क्या मिलेगा देखने को, डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो अभी तक हमारी स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमारे जो इन्वेंशन हुई हैं स्टेप बाय स्टेप, उनको वहां पर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। कभी आप हिस्टोरिकल म्यूजियम जाकर देखोगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले के जमाने के जो राजा महाराजा थे वो किस तरह के परिधान, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे, कैसे हथियार वो यूज करते थे, ठीक है, वो सारी चीजें आपको वहां देखने को मिलेंगी, तो वो कहलाता है म्यूजियम, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे तो वहां पर हमारा जो साइंटिफिक है ये म्यूजियम है, बायोलॉजिकल म्यूजियम होता है जिनके अंदर प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन रखे जाते हैं स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो वहां पर क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कॉलेजेस के टूर्स होते हैं, स्कूल्स के होते हैं, यूनिवर्सिटी के टूर होते हैं, वहां पर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद आपको जो भी हमारे वहां पर प्रिजर्व प्लांट हैं, जो एनिमल की स्पीसीज हैं, उनकी स्टडी की जाती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके करेक्टर्स को नोट डाउन किया जाता है, ताकि वो इजिली न्यूली डिस्कवर प्लांट को क्या कर सके, कंपेयर कर सके, वो आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो जो स्पेसमैन्स हैं कहाँ पर कैसे प्रिजर्व, कंटेनर्स के अंदर प्रिजर्व करेंगे, जार्स के अंदर प्रिजर्व करेंगे, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फॉर्मलिन का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर ये प्रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स को हम प्रिजर्व करते हैं बॉक्सेस के अंदर, ठीक है, उनको मार के उनको फिर पिन किया जाता है बॉक्सेस के अंदर, पिन में शीट्स के ऊपर है कुछ शीट्स बेस मटेरियल होता है उसके ऊपर पिन किया जाता है, और उनके ऊपर क्या बॉक्सेस के अंदर उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है, ठीक है। और प्लांट और एनिमल जो स्पेसिमेंट्स होते हैं उनको, कुछ स्पेसिमेंट्स ऐसे होते हैं इनको ड्राई ड्राई फॉर्म में, उसको ड्राइड फॉर्म में इनके सूखे तौर पर उसको हम क्या है प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। जो बड़े एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम प्रिजर्व करते हैं, क्या करते हैं उसके अंदर का जो जितना भी आपका स्किन के अंदर जितना भी मटेरियल होता है, आपके ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, उनको रिमूव कर लिया जाता है, स्किन स्किन रख लिया जाती है, स्किन के अंदर क्या है हमें कोई मटेरियल भर देते हैं, कोई आपके क्या रुई हो सकती है या फिर कुछ और मटेरियल उसके अंदर हो सकता है, उसको एक प्रॉपर शेप दी जाती है। बड़े एनिमल्स की बात हो रही है, इस तरीके से हम क्या है लार्ज एनिमल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। स्किन उन टेक्सचर उनका वही रहेगा एनिमल्स का, बर्ड्स का और एनिमल्स का, मगर इंटरनल जो उसका जो ऑर्गन्स है उनको निकाली जाता है बाहर, स्किन को ड्राई करके अंदर से उसको क्या है प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करके उसके अंदर एक क्या है एक स्टफ्ड विद अ पर्टिकुलर मटेरियल लाइक कॉटन, कॉटन डाल सकते हैं उसके अंदर, साथ में कुछ और आपका जो मटेरियल है उसको भी हम क्या है डाल सकते हैं, ठीक है। म्यूजियम्स के पास क्या होता है, एक स्केल्टन्स का भी कलेक्शन होता है, ठीक है, उनका जो ढांचा है हड्डियों का ढांचा वो भी क्या है, कई बार क्या होता है जो हम इवोल्यूशन, हम जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं स्टडी करते हैं, खुदाई करते हैं, खुदाई में जो स्केलेटन्स मिलते हैं पुराने जमाने के जो जीव होते हैं उनके स्केलेटन्स मिलते हैं, तो उनको क्या है प्रॉपर वे में अरेंज करके उसको क्या है म्यूजियम्स के अंदर रख दिया जाता है फॉर द रिसर्च पर्पज, फॉर द स्टडी पर्पज, ठीक है। तो ये तो हमारा था म्यूजियम के बारे में। अब हम बात करेंगे जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क की बात करें यानी कि हम जू की बात कर रहे हैं, हम चिड़ियाघर की बात करें वहाँ वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर एनिमल्स को आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर, एंथ्रोपोजेनिक कंडीशंस के अंदर स्टोर किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, रखा जाता है
फॉर स्टडी पर्पस, फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, फॉर, ठीक है, इस इन पर्पस के लिए जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमारे हैं कुछ जूज के, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, गुवाहाटी जू असम इंडिया में है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में है, एंड हरियाणा की बात करें तो तिलियार जू रोहतक के अंदर है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, केव्स के अंदर, सॉरी केज के अंदर, केजिस के अंदर इसको रखा जाता है, पिंजरे के अंदर रखा जाता है जानवरों को। तो वो एक पर्पस है किस चीज़ के लिए, उनका कह सकते हो आप कंजर्वेशन के लिए, साथ में साइंटिफिक स्टडी के लिए उनको रखा जाता है वहाँ पर, ताकि क्या है कॉमन पीपल आके भी जान सके, साथ में जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने बच्चों को वहाँ ले जाकर उनके बारे में उनको दिखाकर उनके बारे में उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में उनके डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनके बारे में क्या वो स्टडी कर सकते हैं, और स्टडी करके उनके बारे में जानकारी हम अटेन कर सकते हैं। तो ये भी टूल्स हैं, ठीक है, जिसके जरिए हम क्या है डिफरेंट स्पीसीज को स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में उनकी करेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन कर सकते हैं, और इनकी स्टडी करने के बाद हमें क्या है उनके क्लासिफिकेशन में हेल्प मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा नेशनल पार्क। भाई एक नेचुरल, ये जो नेशनल जो पार्क होते हैं तरीका है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वाइल्ड लाइफ को नेचुरल इन्वायरमेंट में उनको प्रिजर्व करने का। ठीक है भाई, एक लार्ज एरिया होता है, लार्ज एरिया फॉरेस्ट का कवर कर लिया जाता है, जिसके अंदर जो दूसरी सारी परमिशन है, जैसे कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी है, कल्टीवेशन की एक्टिविटी है, पेड़ कटिंग का ट्रीज का है, या ग्रेजिंग ऑफ एनिमल यानी कि जो चरवाहे हैं जो अपने जानवरों को चराने के लिए आते हैं, हर तरह की एक्टिविटी क्या है यहाँ पर प्रोहिबिटेड होती है, वहाँ बैन होती है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर क्या है तो वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व या कंजर्व किया जाता है इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो अभी तक अगर हम बात करें एज पर 2008 की जो पोजीशन है, इंडिया के अंदर 97 नेशनल पार्क्स हैं, और जो सबसे पहला जो पार्क है इंडिया का वो 1935 में बनाया गया था, हेली नेशनल पार्क, आल्सो नोन एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, रामनगर के पास है ये। इसके अलावा और हमारे जो नेशनल पार्क जो हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट है कौन कौन से हैं, दाचीकैम नेशनल पार्क J&K के अंदर, कान्हा नेशनल पार्क MP के अंदर, ठीक है, टाइगर के लिए जाना जाता है ये भी, काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर है, जो कि सिंगल हॉर्न जो राइनोसेरोस है उसके लिए जाना जाता है ये, क्यूलेडियो नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर, गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर, एंड सरिस्का नेशनल पार्क है राजस्थान के अंदर। इसके अलावा और भी हमारे नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में भी स्टडी करनी है आपको। ठीक है, ये नीट के अंदर ये क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है, इसके अंदर से नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया जाता है भाई कहाँ पर ये नेशनल पार्क है और ये नेशनल पार्क है किस चीज़ के लिए मशहूर है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे सेंचुरीज की, बात करेंगे सेंचुरी भी एक एरिया है रिजर्व फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ओनली। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए ही ये रिजर्व होता है, यहाँ पर कुछ ऑपरेशन जैसे कि हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, लकड़ी के लिए लकड़ी लेना वहाँ से, फॉडर यानी कि जो जानवरों के लिए जो फूड होता है उसको कलेक्ट करना, और कुछ माइनर जो प्रोडक्ट्स होते हैं फूड के वो वहाँ वहाँ से हम ले सकते हैं, एनिमल्स को चरा सकते हैं, और जो सॉरी चरा नहीं सकते वहाँ पर, तो प्राइवेट जो ओनरशिप राइट्स हैं उनको भी क्या है हमें तब तक वहाँ पर कर सकते हैं तब तक कि वो जो वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको क्या है एडवर्सली अफेक्ट ना करें। कहने का मतलब है ये भी एक प्रकार का लार्ज एरिया होता है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ को हम प्रिजर्व करते हैं इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, वहाँ पर क्या है हम कुछ तरह की एक्टिविटीज़ को हम अलाउ करते हैं। ठीक है, वहाँ से आप लकड़ी लेके आ सकते हो, वहाँ से आप जानवरों के लिए घास वगैरह लेके आ सकते हो, और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मेडिसिन जो प्लांट्स हैं वहाँ से आप कुछ उन ले सकते हो, आप लोकल जो पीपल है जो आपका वो वहाँ पर क्या है जानवर को चराने के लिए ले जा सकता है, ये एक्टिविटीज तब तक पॉसिबल हो सकती हैं, तब तक अलाउ की जा सकती हैं जब तक कि वो जो वाइल्ड जो लाइफ है जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी साथ कोई इंटरफेरेंस ना हो, उनको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो, तब तक अलाउड हैं। अगर ये अगर वो अलाउ अगर नुकसान करते हैं और वाइल्ड लाइफ की लाइफ के साथ अगर वो इंटरफेयर करते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी क्या है फर्दर प्रोहिबिटेड
प्रोहिबिट भी की जा सकती है। ठीक है, सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स का जो बनाने का एक मेन रीज़न ये भी है कि जो हमारे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको हम प्रिजर्व कर सकें। इनके अंदर क्या है, पोचिंग जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं, शिकार करने वाले जो एक्टिविटीज़ हैं, जानवरों को शिकार किया जाता है, तो इनको भी हम क्या है यहाँ पर, इन पर भी प्रतिबंध होता है यहाँ पर लगाने के लिए, ठीक है, शिकार करने के लिए। और अभी तक की बात करें, एज पर 2008 हमारे हरियाणा इंडिया के अंदर 508 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ना बायोस्फीयर रिजर्व। ये नेशनल पार्क और सेंचुरी से एरिया वाइज बड़ा होता है, और ये सब ये जो कॉन्सेप्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का, ये कॉन्सेप्ट क्या किसने था बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था यूनेस्को ने, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है यूनेस्को का। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे, यूनेस्को ने स्टार्ट किया था, किस नाम के अंडर किया गया था, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, एक स्पेसिफाइड एरिया है जहाँ पर हम मल्टीपल जो वहाँ का जो एरिया हो, तो वहाँ की जो जमीन होती है उसको मल्टीपल यूज का हम ले सकते हैं बाई उसको बायोस्फीयर रिजर्व को तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर कर। ठीक है, तीन कैटेगरीज होती है, तीन पार्ट्स होते हैं, तीन रीजन होते हैं, तीन जोन्स होती हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। पहली होती है द कोर, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। उसके बाद बाहर आता हमारा बाहर वाला जोन है बफर जोन। बफर जोन में कुछ एक एक्टिविटीज़ क्या है प्रिंसिपल होती हैं, और सबसे बाहर वाला जो एरिया है, ठीक है, द मैनिपुलेशन जोन, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या खेती बाड़ी आप कर सकते हो। ठीक है, जो ट्राइब्स हैं वहाँ के लोग वहाँ पर वो रह सकते हैं, विलेजेस वहाँ पर वह रहते हैं, वहाँ पर खेती कर सकते हैं, और दूसरे काम वहाँ पर हम वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो कर सकती हैं। ठीक है, तीन जोन्स में डिवाइडेड था, कोर जोन जो सेंट्रल जोन है बिल्कुल, फिर उसके बाहर वाले जोन कहलाती है सेंट्रल, जो बाहर वाली है, बीच वाली जोन बफर जोन होती है, और बिल्कुल बाहर वाली हमारी कौन सी है, मैनिपुलेशन जोन, जहाँ पर क्या मल्टीपल एक्टिविटीज परमिटेड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर लोकल जो पीपल है, जो जो वहाँ की ट्राइब्स हैं, जो जनजाति है जो वहाँ पर रहती है, वहाँ पर गांव भी होते हैं, ठीक है, उनसे वो कहाँ रहते हैं बेटा, वो आपके जो मैनिपुलेशन जोन है यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी भी की जा सकती है। बफर जोन में बिल्कुल नाम मात्र की लिमिटेड परमिशंस होती हैं। ठीक है, और सेंट्रल जोन में, कोर जोन में कोई भी एक्टिविटी परमिसिबल नहीं होती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व कॉन्सेप्ट किसका था, ये इवॉल्व हुआ था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ द यूनेस्को के अंतर्गत। ठीक है, इंडिया की कुछ एक जो हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानेंगे, पहला हमारा है नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, मनास आसाम में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, नीलगिरी की बात करें कर्नाटका में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, एंड रन ऑफ कच्छ ये हमारी गुजरात के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात करेंगे हमारा वो कीज के बारे में है। की भाई, की क्या है, एक तरह की टेक्सोनॉमिकल एड है जो हमें क्या है, हेल्प करती है एनिमल्स को और प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। ठीक है, उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करके हम क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्लासिफाई करने का काम करते हैं, और ये किस बेस पे होता है, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के ऊपर। ठीक है, अब की क्या करती है, किस पे बेस होती है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर बेस होती है। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात करें, जो ऐसे करेक्टर्स जो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जिसको हम आसानी से हम देख सकते हैं, इनको देख के हम क्या है एक जनरलाइज रिजल्ट पे आ सकते हैं कि पर्टिकुलर प्लांट और पर्टिकुलर एनिमल क्या होगा, किस कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, और जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं वो पेयर में होते हैं, और उस पेयर को कहते हैं हम कपलेट। ठीक है, एक कपलेट के अंदर क्या होगी, दो स्टेटमेंट होंगी बेटा। ठीक है, एक कपलेट के अंदर दो स्टेटमेंट होंगी, और एक हर एक स्टेटमेंट कहलाती है लीड। हर एक स्टेटमेंट क्या कहलाती है, लीड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास एक दो स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो सीड है वो राउंड है और रिंकल्ड है, सॉरी राउंड है और ग्रीन है, और दूसरी स्टेटमेंट कहती है
ठीक है, उसमें कहती है कि सीड है वो क्या है, रिंकल्ड है और वायलेट कलर का है। तो ये दो स्टेटमेंट हैं टुगेदर, इसे कहते हैं कपलेट। क्या कहते हैं? कपलेट। और हर एक स्टेटमेंट को, ये दो जो स्टेटमेंट हैं, तो हर एक स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, उसको लीड कहेंगे, LEAD, लीड। ठीक है, लिखा भी यहाँ पर, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए लीड। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी के लिए अगर बात करें, किंगडम की बात करें, फाइलम की बात करें, डिवीजन की बात करें प्लांट के केस में, जीनस की बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो हर एक टैक्सन के लिए अलग अलग कीज अवेलेबल हैं। हर एक टैक्सन के लिए अलग अलग कीज होती हैं, अलग अलग कीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और कीज की बात करें, कीज जो हमारी एनालिटिकल इन नेचर होती हैं, एनालिटिकल का मतलब है हमें ये हेल्प करती हैं एनालिसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, हमें प्लांट्स और एनिमल्स को एनालाइज करने में ये हेल्प करती हैं, इसीलिए जो कीज हैं ये एनालिटिकल इन नेचर होती हैं। ठीक है, दो तरह की होती है बेटा, एक होती है इंडेंटेड की, एक होती है हमारी ब्रैकेटेड की। ठीक है, तो इंडेंटेड की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, इस की के अंदर इट कंटेन्स ए सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस बिटवीन टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ चॉइस मिलती है हमें यहाँ पर। और सेकंड हमारे पास क्या है, ब्रैकेटेड की है। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेगी, ब्रैकेटेड की के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे इंडेंटेड की वाले, वो भी यूज होते हैं। इसके अलावा जो नंबर्स दिए जाते हैं जो कि ब्रैकेट्स में होते हैं, ठीक है, जो करेक्टर इंस्टेंट जो एक हर एक जो करेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर प्रोवाइड किया जाता है और वो नंबर वो ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह की होती हैं। ये तो जनरली हमारी डाइकोटोमस की का एग्जांपल है हमारा, डाइकोटोमस, डाइक मतलब दो प्रकार की कीज हमारी है, इंडेंटेड की एंड ब्रैकेटेड की। ठीक है, तो ब्रैकेटेड की बात करें तो इसमें भी क्या है, दो स्टेट, एक कपलेट होता है, एक कपलेट, दोनों ही कपलेट एक साथ होते हैं। ठीक है, कपलेट की बात करें, कपलेट के अंदर दो स्टेटमेंट जो होती हैं दोनों ही एक साथ होती हैं, ऊपर नीचे होती है एक साथ इसमें। और इंडेंटेड की बात करें, इंडेंटेड की के अंदर दोनों स्टेटमेंट क्या एक साथ नहीं होती है, ये ऊपर अलग होती हैं। ठीक है, ये फर्क है दोनों में, और इंडेंटेड की और ब्रैकेटेड की के अंदर। ठीक है बेटा, और इसके अलावा हमारे और कौन से हमारे जो टूल्स हैं, जैसे कि मैनुअल है, मैनुअल क्या एक तरह की बुक होती है जिसके अंदर काफ़ी काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, कैसी इंस्ट्रक्शन होती हैं, ऐसी कि भाई किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई प्लांट है, उसकी जो कलेक्शन की बात करें, उसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें, ठीक है, उस किताब की सारी डिटेल मिलेंगी आपको, भाई वो इस तरह के प्लांट कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो क्या होंगी। ठीक है, उसके कलेक्शन के बारे में जानकारी होगी, भाई ये जो कोई भी स्पेसमैन है, भाई ये मान लो कोई वहाँ पर दर्शाया गया जो स्पेसमैन है, भाई वो स्पेसमैन कहाँ से लिया गया था, उसको आइडेंटिफाई यानी उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी और ये कहाँ पर आपको मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्लोरा है। फ्लोरा की बात करें, ये एक ऐसी बुक है जिसमें प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी बेटा, हैबिटेट, हैबिटेट मतलब है कहाँ, किस कंडीशंस में वो, कहाँ से वो मिला है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, तो किस इलाके से वो लिया गया, कहाँ पर वो प्लांट मिल सकता है हमें, वहाँ का जो क्लाइमेट कैसा है, और वहाँ पर जो सीजन्स के अंदर अगर हम बात करें, क्लाइमेट के अंदर बात करें, उसके अंदर चेंजेस क्या कैसे कैसे आते हैं, उस एरिए के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसका, और उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा आप उस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में। ठीक है, और स्पेसिफिक एरिया के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा, ये फ्लोरा क्या करता है, एक ऐसी बुक है जो किसी प्लांट के बारे में सारे जानकारी आपको प्रोवाइड करती है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो जो प्लांट है वो कैसे, किस कंडीशंस के अंदर वो ग्रो करता है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के जो वातावरण में जो बदलाव आते हैं वो किस तरह के होते हैं, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, और उस और जितनी भी डिटेल्स हैं उसके करेक्टर्स के बारे में सारी उस फ्लोरा के अंदर मिलती है। ठीक है, एक हमारा मोनोग्राफ की बात करें, ये किसी मोनोग्राफ हमारा आता है, मोनोग्राफ के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टैक्सन, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में पूरी डिटेल दी जाती है। जैसे कि अगर फैमिली किसी प्लांट की बात करेंगे, किसी फैमिली की बात करें प्लांट फैमिली की, तो उस फैमिली के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी आपको, या फिर जीनस के बारे में डिटेल मिलेगी।
बात समझ में आ रही है बेटा, या फिर किंगडम के बारे में कह सकते हो, या स्पीसीज के बारे में कह सकते हो, जितने भी इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में वो आपको मोनोग्राफ में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट हमारे यहाँ पर क्या कैटलॉग है। कैटलॉग में क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी स्कूल की बात कर लो, कॉलेज की बात कर लो, होटल की बात कर लो, एक उसका एक बुक होती है, एक दो तीन पन्नों की एक किताब होती है, एक पैम्फलेट सा होता है, उसके अंदर उसके बारे में सारी जानकारी मिलती है भाई, किसी इंग्लिश यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके जो एफिलिएशन ना के द्वारा है, यूजीसी के द्वारा है, क्या क्या इसके अचीवमेंट है इस यूनिवर्सिटी के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में क्या क्या कोर्सेज ये प्रोवाइड कराता है, तो सारी जो जानकारी उस यूनिवर्सिटी के बारे में उसे एक प्रोस्पेक्टस कहते हैं, प्रोस्पेक्टस के अंदर होती है, वैसा ही हमारे कैटलॉग है, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में, ठीक है, डिटेल्स मिलती है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज आपको मिलती है, जितनी भी स्पीसीज वहाँ पर मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर एक ओवरव्यू मिलेगा, एक ऐसी छोटी सी आपको एक कैटलॉग मिलेगा, एक किताब सी मिलेगी छोटी सी, 4-5 पन्नों की 7 पन्नों की हो सकती है, उसके अंदर सारी जानकारी आपको मिलेगी कि इस दिल्ली के अंदर किस तरह की स्पीसीज, किस तरह के प्लांट्स और किस तरह के एनिमल्स वहाँ पर आपको मिलते हैं, उस एरिया के अंदर मिलते हैं, और एक हल्की फुल्की वहाँ पर आपको क्या मिलेगी उसके बारे में बताया गया, उस स्पीसीज के बारे में बताया गया होगा वहाँ पर, तो ये हमारा कैटलॉग के अंदर आता है, ठीक है। तो आज के लिए बेटा हमारा इतना ही है, जो आज हमने जो पढ़ा किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा डिफरेंट टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में, ठीक है। तो हमारे लास्ट टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर का, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, हमने कोशिश भी बड़ी की है मैंने, बड़ी आसान तरीके से समझाया जाए। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, हम हमारा सेकंड चैप्टर है हमारा द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसको स्टार्ट करेंगे, वो भी हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।